सदस्य भूपेंद्र यादव ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह के खिलाफ पार्टी अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी कस्बे में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने यह भी कहा कि जसवंत सिंह से अब कोई मान मनोवल नहीं की जाएगी। उनके बेटे विधायक मानवेंद्र सिंह द्वारा भाजपा से एक माह का अवकाश लेकर अपने पिता के प्रचार करने के पत्रकारों के सवाल के जवाब में भूपेंद्र यादव ने साफ किया कि उनके खिलाफ भी पार्टी का अनुशासन का डंडा चलेगा। यादव ने कर्नल सोनाराम को भाजपा में शामिल करने को पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस को हराने के लिए एक आवश्यक कदम बताया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चुनाव प्रचार आज भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री चार लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर वहां पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा का आयोजन करेगी। आज सीएम अभी कुछ देर में उदयपुर के सलूम्बर में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। 2 बजे पाली के रानी में जनसभा करेंगी। 4:15 बजे नागौर के डीडवाना और 5 बजे जयपुर ग्रामीण के किशनगढ़ रेनवाल में सभा करेंगी। वहीं आज पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया भी 5 चुनावी सभाएं करेंगे। कटारिया की सभा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी, भोपाल सागर और फतेह नगर में होगी।